हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नाला सुपारा में गिरी चार मंजिला इमारत, इलाके में मचा हड़कंप, फैली सनसनी। नाला सुपारा पूर्व स्थित मजेठिया पार्क इलाके में मंगलवार देर रात एक चार मंजिला इमारत पूरी तरह ढह गई। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई है, लोगों की समझदारी से बड़ा हादसा टल गया। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने आसपास के लोगों को सुरक्षित रहने की अपील की। जानकारी के अनुसार मजेठिया पार्क स्थित साई साफल्य नामक चार मंजिला बिल्डिंग 10 साल पहले बनाई गई थी। बिल्डिंग में कुल 20 फ्लैट थे। बिल्डर ने बिल्डिंग बनाने में घटिया सामग्री इस्तेमाल की, इसलिए 10 साल में ही बिल्डिंग जर्जर हो गई। गत वर्ष मनपा ने इस इमारत को जर्जर घोषित कर इमारत खाली करने का नोटिस दिया था। इमारत में रहने वाले 15 परिवार खाली करके चले गए, जबकि 5 परिवार इमारत में ही रहते थे। मंगलवार शाम इमारत से ईंट व सीमेंट गिरने लगा, जिसके बाद इमारत में रहने वाले 5 परिवार अपने घरों से सामान छोड़कर बाहर निकल आए। रात 11 बजे इमारत की पहली मंजिल का हिस्सा गिरा। रात 1 बजे के करीब पूरी बिल्डिंग ढह गई। इमारत में रहने वाले 5 परिवारों का सारा सामान अंदर दब गया। पीड़ितों परिवार वालों का कहना है कि बिल्डर ने हमें सिड़कों के पेपर दिखाकर फ्लैट बेचे हैं। अब पता चला कि इमारत अवैध थी, बिल्डर ने हमारे साथ धोखाधड़ी की है। मौके पर पहुंची बीजेपी की वसई विरार जिला अध्यक्ष राजन नायक ने बताया कि इस तरह वसई विरार में सैकड़ों बिल्डिंग जर्जर है, जो कभी भी गिर सकती है। मनपा को ऐसी इमारतों को खाली करके तोड़ देना चाहिए। अगर इस इमारत में रहने वाले 5 परिवारों ने समझदारी नहीं दिखाई होती तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। बिल्डिंग में कुल 22 लोग रहते थे। जागरूक टीवी के लिए नाला सुपारे से दिलीप द्विवेदी की रिपोर्ट।